वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बंदे का जिहड़ा मनोबल है ना, वो ताकतवर चाहिए, स्ट्रोंग चाहिए। जिन्होंने विल पावर कहने, वो तकड़ी चाहिए, स्ट्रोंग चाहिए। तुहाडा शरीर दुबला होवे, पतला होवे, कमजोरा होवे, कम चल जाएगा। पर तुहाडा मनोबल जे कमजोर होया ना, तो कम नहीं चलेगा। कदे कदे तुसीं वेखो, दुबले पतले शरीर वाले बंदे मैदाने जंग दे अंदर जित पा लेंदे ने, लड़ाई झगड़े दे अंदर। ते हाथी वर्गे ताकतवर भारी परकम शरीर वाले भजदे होए करकदे आउंदे वापस तुरे आउंदे, क्योंकि मनोबल पल्ले नहीं है। तुहाडा मनोबल ही सब कुछ है। तुहाडी ताकत असल दे अंदर तुहाडे मनोबल दे करके गिनी जाती है। दूजी गल, मनोबल गया ते समझ लो बंदा गया। ते जे मनोबल कोल है, मनोबल बलवान है, विल पावर स्ट्रोंग है, ते जिहड़ी इह कहावत है ना, भी बंदा पहाड़ दे नाल भी मत्था ला लैंदा, हाथी दे नाल भी मत्था ला लैंदा। मनोबल वधदा है जिन्नी बंदे दी समझ ज्यादा होवे। घ्यो करके नहीं वधदा, बदामा करके नहीं वधदा, उह शरीर नूं ताकत दिंदे ने। मनोबल वधदा है शुद्ध विचारां दे नाल, मनोबल वधदा है शुद्ध समझ दे नाल, तुहाडी समझ किन्नी है। मनोबल वधदा है चंगियां दे कोल बहन दे नाल, चंगियां दीयां कहानियां सुनन दे नाल, चंगियां दा लिटरेचर पढ़न दे नाल, चंगा साहित पढ़न दे नाल। नहीं तो समस्या हुंदी है छोटी, तो जे मनोबल बंदे दा कमजोर होवे ना, तो छोटी समस्या भी इहनूं पहाड़ वर्गी लगदी, बड़ी वड्डी लगदी छोटी जी समस्या। समस्या बिल्कुल मामूली हुंदी, ना मात्र हुंदी। चेहरा उतर जाता है, मुरझा जाता है, अखां दे अंदर खामोशी आ जाती है, लबां ते खुशकी आ जाती है, बोलबाणी बंद हो जाती है, उर्जा कुर्जा जिहा लगता है, चिड़चिड़ा जिहा रहिंदा है। पुछिए की होया, तो गल जिहड़ी निकलती हो इन्नी क, तो बंदा कदे कदे अगला सुनने वाला हासे नाल ही कह देंदा, यार इन्नी क गल तो ही घबरा गया। क्योंकि मनोबल नहीं है, इहदे कोल दिल नहीं है। जिहनूं ठेठ पंजाबी दे अंदर कह देंदे ने दिलों बड़ा कमजोर है, इहदा मनोबल बड़ा कमजोर है। मनोबल कमजोर वाला बंदा बीमारी छोटी हुंदी है, बीमार ज़्यादा हो जाता है। मुश्किल छोटी हुंदी है, उहदा गलबा इहदे उत्ते ज़्यादा भारू हुंदा है। तुहाडा मनोबल ही बीमारी का हल है, तुहाडा मनोबल ही हर मुश्किल का हल है। मैं एक दिन एक बुक पढ़ रहा सां, उहदे अंदर पढ़ रहा सां, एक दार्शनिक नूं मैं पढ़ रहा सां, इंग्लैंड दे रहण वाला है डॉक्टर इरोक, उहदी मैं गल पढ़ रहा सां। ERO K डॉक्टर इरोक, उहदी मैं गल पढ़ रहा सां। कहिंदे ने बीमार हो गया, तो किसी ने उन्हूं कहा भी चल दवाई लैके आईए। वो कहन लगा अज नहीं, सवेरे चलांगे, वेखने आ भी कल तक मैं इहनूं किन्ना ठीक कर पाउंदा। दूजे ने पुछया भी ठीक किवें कर पाएगा, उहने कहा भी मैं जो मेरे कोल बीमारी आई ना, मैनूं बीमारी मनदा नहीं, मैं अपने मनोबल दे नाल इहनूं ठीक करन दा यतन करांगा। ठीक होया, ठीक है, जे दवाई लैन की लोड़ पई तो वड्डी गल नहीं, मैं लै भी सकदा, पर पहला मैं अपनी दवाई वरत के वेखदा। तुहाडा मनोबल ताकतवर होना, वड्डा होना, विल पावर का स्ट्रोंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूजी गल नूं नोट करियो, मनोबल वधाउण वास्ते कोई देसी नुस्खा काम नहीं आउंदा, कोई एलोपैथी की गोली काम नहीं आउंदी, कोई होम्योपैथी की दवाई काम नहीं आती, कोई नैचुरोपैथी की दवाई काम नहीं आती, कोई आयुर्वैदिक काम नहीं आती, कुछ काम नहीं आता। ये काम आता चंगियां विचारां, चंगा साहित, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ो, समझो, तो अपने मनोबल मनोबल को वधाउण दा काम करो। ये आप वधाउणा पैंदा है, इदां भी नहीं है भी जिवें खून किसी दूजे के शरीर में बनिया, चलो लोड़ पै गई, दूजे का खून लैके दूजे शरीर के अंदर चाढ़िया गया तो जिंदगी उन्होंने मिल गई। मनोबल इदा का नहीं है। खून दूजे का मिल सकता है, अखा दूजे दियाँ मिल सकदियाँ ने, मनोबल दूजे का नहीं मिलता। मनोबल खुद पैदा करना पैंदा है, खुद वधाउणा पैंदा है, और ताकतवर इनू बनाउणा पैंदा है। एक मैं गल कह दिया, मनोबल तुहाडे जीवन के अंदर नमक वर्गा काम करता है। नमक मैं उदाहरण वजो लफज वरत रहा, पता किवें, तुसीं पतीला भर के सब्जी बनाओ, उहदे च अद्धा चम्मच एक चम्मच ही नमक पैंदा ना, होर किन्ना पैना है। चार पंज सत्त जी ने कर दे, उहदे वास्ते सब्जी बनाई, किलो दो किलो सब्जी बनाई, उहदे विच नमक किन्ना पाओगे, थोड़ा ही पएगा ना।
ਹੁਣ ਮਿਰਚ ਨਾ ਪਾਓਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਨਮਕ ਨਾ ਪਾਓਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਮਕ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਮਕ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਸਦਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਹੈ ਇਹ ਰਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਰਸ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ, ਖਤਮ ਸ਼ਿਕਵੇ ਖਤਮ ਆਪੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ। ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਘਿਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਘਿਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਲਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਲਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਦਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ ਉਤਰਾਅ ਹੋਏਗਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਲ ਕਦੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਨੋਬਲ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਮਨੋਬਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਮਨੋਬਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਮਨੋਬਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਿਓ ਹੈ, ਮਨੋਬਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਸਰੀਰਕ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਨੋਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਕਰੇਜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਸੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ। ਪਖੰਡੀ ਸਾਧਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਖੰਡੀ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁਦ ਸਮਝੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਖੰਡੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।